हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक मैथ के इस सेक्शन में हम 11 से लेकर 19 नंबर तक के स्क्वायर फाइंड करने वाले हैं, जो हम उसमें कुछ मोस्टली भूल जाते हैं, जैसे 17, 13, 18 या 19 का भूल जाते हैं। तो इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करने वाले हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। जो हमें 10 से पहले स्क्वायर है वो मोस्टली लर्न होते हैं, तो अगर 10 के बाद के स्क्वायर है 20 तक, तो उन्हें कैसे बगैर लर्न करें हम लिख सकते हैं। तो इसमें हमें एक चीज़ याद करनी होती है, जैसे 11 है तो 11 में यूनिट प्लेस की नंबर्स की मल्टीप्लाई उसी में करते हैं। यहाँ पर जैसे 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा, और यहाँ 2 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो इसी तरह से 13 में 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा। अब नेक्स्ट डिजिट फाइंड करने के लिए क्या करने वाले हैं कि जो ये नंबर है 11, इसमें यूनिट प्लेस की नंबर को ऐड कर देंगे। 11 में जब यूनिट प्लेस की नंबर 1 को ऐड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 11 प्लस 1 तो ये 12 हो गया। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर जो आ गया वो 121 आ गया। नेक्स्ट जैसे 2 का स्क्वायर 4, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब 12 पूरी नंबर में यूनिट डिजिट 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 144 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट 13, इसका स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है तो यहाँ पर 13 में 3 यूनिट प्लेस जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 13 में जब हम 3 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 16 हो जाएगा। इसी तरह से 14 है, 14 में यूनिट प्लेस की डिजिट जो है वो 4 है। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो यहाँ पर 6 आएगा। अब 16 आ गया तो हम सॉरी 4 4 जा 16, तो एक कैरी आएगा तो उसे हम साइड में लिख लेंगे ताकि हम नेक्स्ट में जोड़ सकें। अब ये 14 है तो यहाँ की आगे की नंबर फाइंड करने के लिए क्या करने वाले हैं कि जो 14 है टोटल नंबर, उसमें यूनिट प्लेस की नंबर ऐड करेंगे। तो 14 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो 14 प्लस 4 18 हो गया, और एक ये कैरी तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। तो 14 का स्क्वायर आ जाएगा 196। अब नेक्स्ट 15 है, 15 17, तो यहाँ पर 15 में 5 यूनिट प्लेस की नंबर है। जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। यहाँ जो टोटल नंबर है इसमें यूनिट प्लेस की नंबर ऐड कर देंगे। टोटल नंबर है ये 15, 15 में 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 20 आएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे हमने 5 की 5 में मल्टीप्लाई की थी तो यहाँ पर 2 कैरी आना था। तो यहाँ 15 और 5 20, 20 और 2 22, तो यहाँ पर 225 इसका स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट 16 का अगर हमें स्क्वायर फाइंड करना है तो यूनिक प्लेस की नंबर है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 जा 36, तो 36 का 6 आएगा, कैरी 3। नेक्स्ट अब ये टोटल नंबर, इसमें यूनिट प्लेस की नंबर ऐड कर देंगे। 16 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो वो 22 हो जाएगा। 22 में कैरी 3 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर 256 हो गया। नेक्स्ट 17, जब 17 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा 49, 49 का 9, कैरी 4। नेक्स्ट टोटल नंबर में यूनिट प्लेस की नंबर ऐड करते हैं, तो टोटल नंबर जो है वो 17 है। 17 में 7 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 में अब हम 4 ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 17 है उसका स्क्वायर जो आ गया 289 आ गया। नेक्स्ट नंबर 18, 18 में यूनिट प्लेस की नंबर 8, 8 में 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 8 8 जा 64, 64 का 4 आएगा और कैरी 8 आ जाएगा। तो यहाँ सॉरी 6 आएगा। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर है वो 18 है, 18 में 8 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 26 आएगा, 26 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 32। नेक्स्ट नंबर 19, जो 19 नंबर है इसमें यूनिट प्लेस की नंबर है 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 का 1, कैरी 8। यहाँ पर 19 में 9 ऐड करेंगे, मतलब टोटल डिजिट में हम यूनिट प्लेस की डिजिट को ऐड करते हैं। तो जब यूनिट प्लेस की डिजिट को ऐड करेंगे, मतलब 9 को ऐड करेंगे 19 में, तो 19 प्लस 9 हो जाएगा 28। अब 28 में ये कैरी ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर कैरी आया था 81 में,
तो 28 में जब कैरी ये 8 ऐड करेंगे तो वो 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर 19 का स्क्वायर आ गया 361। तो इसी के साथ हमारे स्क्वायर ये वाले कंप्लीट हो जाते हैं और स्क्वायर्स हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। और हमें इन्हें मोस्टली नंबर्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब प्रैक्टिस करेंगे तो उससे हमें ज़्यादा लर्न होगा और हमें प्रॉब्लम नहीं होगी जब हम किसी नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे या हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए कोई नंबर बीच में मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो प्रैक्टिस के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज़ होने वाला है। नेक्स्ट हम और स्क्वायर देखने वाले हैं।